हेलो एवरीवन, वेलकम टू किट टू सक्सेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंजीनियर आर के राजपूत का अगला लेक्चर ट्रांसफार्मर से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वो सूचना मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में दोस्तों 150 नंबर तक का क्वेश्चन हो गया था और 151 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हेलिकल कॉयल्स आर वेरी वेल सूटेड फॉर। मतलब जो हेलिकल कॉयल्स होते हैं, हेलिकल कॉयल्स मीन्स ऐसे इस प्रकार की जो कॉयल्स होती है वो वेरी वेल सूटेड फॉर, मतलब कहाँ पे लगाने बहुत ही सूटेड होती है, कहाँ पे ये अच्छा परफॉर्म देती है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ लार्ज रेटिंग ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ स्मॉल रेटिंग ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ लार्ज रेटिंग ट्रांसफार्मर, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ लार्ज रेटिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, मतलब जो हेलिकल कॉइल्स जो होता है अच्छी जगह परफॉर्म करता है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ लार्ज रेटिंग ट्रांसफार्मर, जिससे ट्रांसफार्मर का रेटिंग बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ पे ये सूटेबल होता है इसका इस्तेमाल। ठीक है, तो हेलिकल कॉइल्स आर वेरी वेल सूटेड फॉर लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ लार्ज रेटिंग ट्रांसफार्मर्स। ठीक, और 152 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन्हें पावर ट्रांसफार्मर द एफिशिएंसी शुड बी मैक्सिमम एट। ठीक, मतलब पावर ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम किस कंडीशन पे, मतलब किस लोड पर होती है। तो दोस्तों, ये फुल लोड भी होती है, ये पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस कर चुका था कि इन्हें पावर ट्रांसफार्मर द एफिशिएंसी, इन्हें पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है, एफिशिएंसी मैक्सिमम, ठीक, एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम एट फुल लोड। ठीक, या कभी कभी ऑप्शन देता है नियर फुल लोड। ठीक है, तो फुल लोड होती है मैक्सिमम, ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। और 153 कह रहा है, फॉर मिनिमम वेट ऑफ ए ट्रांसफार्मर द वेट ऑफ आयरन शुड बी, मतलब ट्रांसफार्मर का वेट जो है मिनिमम करने के लिए द वेट ऑफ आयरन शुड बी, आयरन का वेट शुड भी मतलब होना चाहिए, तो जो कॉपर का वेट होता है ट्रांसफार्मर में उसके वेट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल टू द वेट ऑफ कॉपर। 153 का आंसर जो है ए पार्ट है कि फॉर मिनिमम वेट ऑफ ए ट्रांसफार्मर द वेट ऑफ आयरन शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ कॉपर। ठीक, तो ऑप्शन 153 का ए पार्ट है। 154 कह रहा है कि द आयरन लॉसेस ऑफ ए ट्रांसफार्मर कैन बी कैलकुलेटेड, आयरन लॉसेस ऑफ ए ट्रांसफार्मर कैन बी कैलकुलेटेड बाई नोइंग द वेट ऑफ, मतलब आयरन लॉस का जो वेट है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है किसके वेट की जरूरत पड़ती है, तो कोर के वेट की जरूरत पड़ती है और योक के। ठीक है, इन दोनों का वेट जब पता चल जाता है तो आयरन लॉस जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब आयरन लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हमको कोर्स का वेट का जो कोर्स एंड वेक्स, मतलब जो ढांचा होता है ऊपर का, उन दोनों का वेट का आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी पार्ट सही है, 154 का डी पार्ट है। 155 कह रहा है, HRC फ्यूजेस ऑन ए ट्रांसफार्मर प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, मतलब HRC फ्यूजेस ऑन ए ट्रांसफार्मर प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, HRC फ्यूजेस का जो यूज है ट्रांसफार्मर प्रोवाइड प्रोटेक्शन के लिए वो किसके अगेंस्ट किया जाता है। तो HRC फ्यूजेस जो ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन किया जाता है वो एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल फॉल्ट। ठीक है, तो 155 का जो है सी पार्ट होगा कि HRC फ्यूजेस ऑन ए ट्रांसफार्मर प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल फॉल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी पार्ट हो जाएगा 155 का। और 156 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड इन पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड इन पावर ट्रांसफार्मर, मतलब कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है इंसुलेटिंग में पावर ट्रांसफार्मर में। ठीक है, 156 का जो है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल में जो पावर ट्रांसफार्मर में यूज होता है वो टेप ऑफ ग्लास का भी इस्तेमाल किया जाता है, सिंथेटिक रेजिन
वाइंडेड पेपर जो होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, प्रेस बोर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन लास्ट होगा डी पार्ट, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, मतलब जो इंसुलेटिंग मटेरियल पावर ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल होता है उसमें चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, मतलब चारों का, तीनों का इस्तेमाल होता है, ऑल ऑफ द एबव। 157 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल पोर्सलिन बुशिंग आर यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर, मतलब सिंपल पोर्सलिन बुशिंग जो यूज होता है ट्रांसफार्मर में किस केवी तक होता है। ठीक है, तो 11 केवी तक होता है, 11 केवी के ऊपर जो है सिंपल बुशिंग यूज्ड किया जा रहा है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, ठीक, तो ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा 157 का ए पार्ट। 158 कह रहा है कि हार्मोनिक करेंट इन ए ट्रांसफार्मर कॉज, मतलब जो हार्मोनिक करंट है वो किसके कारण उत्पन्न होती है, इंक्रीज कोर लॉस, इंक्रीज आई स्क्वायर आर लॉस मतलब कॉपर लॉस, मैग्नेटिक इंटरफ्रेंस विद प्रोटेक्टिव रिलेस, ऑल ऑफ द एबव। तो जो हार्मोनिक्स करंट होती है वो दोस्तों यदि लॉसेस बढ़ते हैं हमारे, ठीक है, उसके कारण भी उत्पन्न होता है, और लॉसेस बढ़ते हैं उनके कारण होता है, और होता है लॉसेस में कॉपर लॉस, आयरन लॉस, सभी प्रकार के लॉस है। ठीक है, और जो प्रोटेक्टिव रिलीज है उसका मैग्नेटिक इंटरफ्रेंस जब होता है तब भी बढ़ता है, और सैचुरेशन ऑफ आयरन होता है तब भी बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, डी पार्ट, इंक्रीज कोर लॉस, कोर लॉस मतलब आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। ठीक है, 158 का डी पार्ट, ऑल ऑफ द एबव। 159 कह रहा है इफ ए ट्रांसफार्मर कोर इज मेड ऑफ कॉपर, मतलब ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो कॉपर का बना हुआ, एंड कॉयल्स आर मेड ऑफ स्टील वायर, और जो कॉयल्स हैं चल उल्टा इसमें देखिए दोस्तों दिया है, कोर किसका बना होता है, स्टील वायर का, स्टील का। ठीक है, अलग ठीक, और जो वाइंडिंग की जाती है वो किसका बना होता है, कॉपर का। ठीक, अब इसमें बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का कोर कॉपर का एंड कॉयल जो है स्टील वायर का, देन तब क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं। एडी करंट लॉसेस विल बी लेस, मतलब जो एडी करंट का लॉस होगा वो कम होगा, ऑप्शन बी कॉपर लॉसेस एंड वाइंडिंग्स विल बी मोर। ठीक, मैग्नेटाइजिंग करंट विल बी रिड्यूस्ड, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों एडी करंट लॉस किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी पे, ठीक, लेमिनेशन पे। ठीक है, तो दोस्तों एडी करंट लॉस पे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और दोस्तों ये कॉपर लॉस है वाइंडिंग का, ये कैसे बढ़ जाएगा आपको दिखाते हैं, बढ़ जाएगा, ये कैसे बढ़ेगा ये देखिए, कॉपर लॉस जो होता है, ठीक, कॉपर लॉस जो है क्या होता है, आई स्क्वायर आर, यदि आप जो ये वाइंडिंग होती है ये कॉपर की इस्तेमाल ना करके इसको आप स्टील का इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाने से जो कॉपर लॉस क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है वाइंडिंग्स का। ठीक है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कॉपर लॉसेस इन द वाइंडिंग्स विल बी मोर। ठीक, 169 का बी पार्ट। 160 कह रहा है ऑयल इम्प्रीजिनेटेड पेपर कंडेंसर बुशिंग इज जनरली यूज ऑन ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट, तो क्या होगा आपका, जो इम्प्रीजिनेटेड पेपर कंडेंसर बुशिंग का होता है वो ट्रांसफार्मर का 132 केवी पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ठीक, जनरली यूज 132 केवी। ठीक, 160 का आंसर जो ए पार्ट है, और 161 कह रहा है कि द कलर ऑफ फ्रेश डाइलेक्ट्रिक ऑयल फॉर ए ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर का अभी जो न्यू ऑयल है, नहीं कि इस्तेमाल किया गया एक साल पुराना, ये सब नहीं, जो नया ऑयल हो इसका कलर कैसा होता है, ये होता है दोस्तों पेल येलो, मतलब हल्का पीला। ठीक है, 161 का जो है सी पार्ट है। 162 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रेगुलेशन एफिशिएंसी एंड हीटिंग अंडर लोड कंडीशन, विच ऑफ द फॉल, मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा ऐसा टेस्ट है, ठीक है, वो एफिशिएंसी एंड हीटिंग अंडर लोड कंडीशन में किया जाता है, रेगुलेशन का भी इन्फॉर्म करता है वो प्रोवाइड करने के लिए, तो कौन सा टेस्ट होता है। देखिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस लिए किया जाता है, कॉपर लॉस निकालने के लिए,
ओपन सर्किट टेस्ट आर एल लॉस निकालने के लिए, सिन बर्न टेस्ट नो लोड पे किया जाता है, बचा कौन सा बैक टू बैक टेस्ट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बैक टू बैक टेस्ट जो होता है रेगुलेशन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन के लिए, ट्रांसफार्मर का जो रेगुलेशन होता है उसको इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और 163 कह रहा है कि बुकहोल्ज रिले इज यूज ऑन, जो बुकहोल्ज रिले है वो यूज किया जाता है किस लिए किया जाता है, ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। बुकहोल्ज रिले का इस्तेमाल ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी एक्स 163 का। 164 कह रहा है कि द केवी रेटिंग रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल, जो केवीए की रेटिंग होती है ट्रांसफार्मर में पैरेलल में, एज जनरल रूल शुड बी विद इन, जनरल रूल कौन सा है, मतलब जैसे पैरेललिंग करते हैं ट्रांसफार्मर का, तो उसमें का जो केवीए रेटिंग होता है ट्रांसफार्मर का वो किस इस्टू मतलब संबंध में होना चाहिए, रेशियो में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, 3:1 में, ठीक है। जो केवीए रेटिंग होती है किस में होना चाहिए, 3:1 में, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट 164 का। 165 विच वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज इन्वॉल्व इन द EMF इक्वेशन, मतलब कौन सी वैल्यू फ्लक्स का EMF इक्वेशन में ट्रांसफार्मर में इन्वॉल्व की जाती है, मतलब इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफार्मर इस, तो कौन सा होता है, मैक्सिमम फ्लक्स होता है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन होता है क्या होता है, ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन जो होता है E इक्वल टू होता है क्या होता है, 4.44 एन बी, बी छोड़िए फ्लक्स लिखिए 5 m, ठीक F। तो ये फ्लक्स यूज होता है, ये कौन सा होता है, 5 m होता है आपका मैक्सिमम फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स होता है, मैक्सिमम फ्लक्स होता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, विच वैल्यू ऑफ फ्लक्स, तो कौन सा फ्लक्स, तो 165 का क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू का फ्लक्स इस्तेमाल किया जाता है EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। 166 कह रहा है इन स्कॉट कनेक्शन द मेन ट्रांसफार्मर है सेंटर टैप ऑन, स्क्वाट कनेक्शन में मेन ट्रांसफार्मर है सेंटर टैप ऑन, मतलब किस पर टैप ऑन होता है, तो किस पर होता है, स्क्वाट कनेक्शन का जो मेन ट्रांसफार्मर सेंटर टैप किया जाता है वो प्राइमरी वाइंडिंग पे भी किया जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग पे भी किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी है कि बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स, ठीक। और 167 कह रहा है कि इन्हें ट्रांसफार्मर ओवर करेंट अफेक्ट, ट्रांसफार्मर में ओवर करेंट अफेक्ट मतलब प्रभावित होता है, मतलब ओवर करंट का इफेक्ट क्या होता है ट्रांसफार्मर में, तो ऑप्शन है मैकेनिकल स्ट्रेस, बिल्कुल मैकेनिकल स्ट्रेस भी होता है ओवर करंट, मतलब ज़्यादा करंट प्रोवाइड करवाने से इंसुलेशन की जो लाइफ वो भी कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा 167 का, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। और 168 कह रहा है कि फॉर ट्रांसफार्मर अप टू ए कैपेसिटी ऑफ के, फिर ब्लैंक है, फिर केवीए एयर ब्लास्ट कूलिंग इज प्रोवाइडेड, मतलब एयर ब्लास्ट कूलिंग के लिए ट्रांसफार्मर किस केवीए मतलब रेटिंग कितनी होनी चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, ट्रांसफार्मर का जो कैपेसिटी केवीए एयर ब्लास्ट कूलिंग इज प्रोवाइडेड 10,000 केवीए, ठीक है। 168 का सी पार्ट। 169 एज द सप्लाई फ्रिक्वेंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज, ठीक, मतलब ट्रांसफार्मर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो इट्स रेटिंग, इसकी रेटिंग क्या होगी, इसकी रेटिंग क्या होगी, इंक्रीजेज बढ़ेगी, एज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज इट्स रेटिंग इंक्रीजेज, मतलब यदि आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो रेटिंग वास्तव में क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए पार्ट। वन से अब कैसे बढ़ जाएगी रेटिंग, क्योंकि क्या होता है के बी ए, ठीक, वी आई केवल वी आई होता है, कॉस फाई नहीं होता, इसलिए के बी होता नहीं, तो किलो वाट में होता है ट्रांसफार्मर का रेटिंग, ये सब तो पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। 170 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर अप टू कैपेसिटी ऑफ 10 MVA, मतलब 10 MVA का ट्रांसफार्मर से ऊपर के ट्रांसफार्मर का कूलिंग कौन से मेथड से किया जाता है, तो कौन सा मेथड किया जाता है, ऑयल नेचुरल मेथड, ठीक है, ऑयल का नेचुरल मेथड कूलिंग का इस्तेमाल करके, मतलब ऑयल नेचुरल कूलिंग, ठीक है,
10 MVA के ऊपर के रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर का कूलिंग ऑयल नेचुरल कूलिंग मेथड से किया जाता है, ठीक है। तो 170 का हो जाएगा आपका सी पार्ट। अब 171 कह रहा है कि द नॉमिनल शॉर्ट सर्किट वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ, क्या होता है नॉमिनल सर्किट वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ द रेटेड प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है। मतलब द नॉमिनल सर्किट शॉर्ट सर्किट वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ द रेटेड प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है। 171 का ए पार्ट। 172 इन ए ट्रांसफार्मर फ्रिक्शनल लॉस इज, ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शनल लॉस जीरो होता है, क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। ये तो पता ही होगा आपको, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका स्टेशनरी मशीन होता है, ठीक, और जनरेटर आपका रोटेटिंग मशीन होता है। तो जब कोई रोटेटिंग पार्ट होता है नहीं ट्रांसफार्मर में, तो फ्रिक्शन लॉस कहाँ से आएगा, जीरो होगा ना, नल। 172 का डी पार्ट। और 173 कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैज लो फ्लक्स डेंसिटी बिकॉज, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का फ्लक्स डेंसिटी लो होता है क्योंकि, ऑप्शन ए, इट इज कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड टू द सप्लाई, इट इज रिक्वायर्ड टू गिव बेटर पावर फैक्टर। तो इसका ऑप्शन ए ही सही है कि इट इज कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड टू द सप्लाई, मतलब ये निरंतर क्या करने सप्लाई से जुड़ा रहता है, इसलिए इसकी फ्लक्स जो फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है कम होती है। फ्लक्स डेंसिटी मतलब बी, ठीक है, ना कि फ्लक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका फ्लक्स डेंसिटी अगर यदि कम है तो फ्लक्स कम ही होगा। 173 का ऑप्शन ए पार्ट। 174 कह रहा है कि स्पायरल कोर ट्रांसफार्मर विच हैज कोर मेड अप ऑफ स्टील स्ट्रिप हैज द फॉलोइंग एडवांटेज। तो क्या होता है स्पायरल कोर ट्रांसफार्मर में जो स्टील स्ट्रिप होती है उसका इस्तेमाल करने से क्या फायदा है, क्या लाभ है? तो क्या होता है लेस वेट, सबसे पहले तो क्या होता है भार कम हो जाता है और कंस्ट्रक्शन जो होता है आपका सूक्ष्म नहीं रह जाता, मतलब अच्छा रहता है, ठीक है, मतलब लाइटर कंस्ट्रक्शन, उसकी संरचना जो होती है सरल हो जाती है, लॉस जो होता है मिनिमम होता है। ऑल ऑफ द अबव 174 का डी पार्ट। 175 कह रहा है द प्लेस ऑफ ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन इज सेलेक्टेड सच दैट, ट्रांसफार्मर का जो प्लेस है इंस्टॉलेशन इज सेलेक्टेड सच दैट, मतलब ट्रांसफार्मर को स्थापित मतलब जहाँ पर लगाया जाता है वो कैसा होना चाहिए, तो लोकेशन इज नॉट टू वार्म, फिर ऑप्शन बी प्लेंटरी एंड ड्राई एंड क्लीन एयर अवेलेबल एंड वेट कंडीशन फॉर नॉट एनकाउंटर्ड, लोकेशन इज नॉट सब्जेक्ट टू डैमेज फ्रॉम मैन एंड मटेरियल ट्रैफिक, ऑल ऑफ द अबव रिक्वायरमेंट आर मेट विद। तो ऊपर के सभी सही है कि लोकेशन बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ड्राई एंड क्लीन एयर भी मिलना चाहिए, और कहीं ना कि कोई किसी रास्ते में ट्रांसफार्मर आप लगा दिया ट्रैफिक का कोई और किसी मैन और मटेरियल से डैमेज हो वो, तो सभी ऑप्शन सही है इसका, ऑल ऑफ द अबव 175 का डी, ठीक है। और 176 कह रहा है कि ट्रांसफार्मर डिज़ाइन फॉर इंस्टॉलेशन इन ए ट्रॉपिकल कंट्री इफ़ इंस्टॉल्ड इन ए कोल्ड कंट्री, ठीक है, मतलब ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन किया जाता है ट्रॉपिकल कंट्री में इंस्टॉलेशन करने के लिए, इंस्टॉल्ड इन कोल्ड कंट्री, इज टू लोडेड बिलो नेम प्लेट के वी रेटिंग, कैन बी लोडेड एक्सेस ऑफ द नेम प्लेट के वी रेटिंग आइदर ऑफ देवन नाइदर ऑफ देवन, मतलब जो उस पर एक प्लेट होती है ट्रांसफार्मर पर लगी होती है उसको उस रेटिंग से उस के वी रेटिंग से ट्रांसफार्मर की रेटिंग से क्या कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए या दोनों होना चाहिए या कोई भी नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा यदि आप कोल्ड कंट्री में इंस्टॉल करेंगे, ट्रॉपिकल कंट्री को छोड़ के यदि आप कोल्ड कंट्री में इंस्टॉल करते हैं उसको, तो जो केवी रेटिंग होता है ट्रांसफार्मर का उससे थोड़ा सा ज़्यादा रेटिंग का ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही है इसका, कैन बी लोडेड इन एक्सेस ऑफ द नेम प्लेट केवी रेटिंग, ठीक है, तो ऑप्शन बी पार्ट सही है। 177 कह रहे हैं मोस्ट वाइडली यूज्ड इंसुलेटिंग एंड कूलिंग ट्रांसफार्मर लिक्विड इज,
तो जो उसमें कूलिंग में लिक्विड इस्तेमाल होता है ट्रांसफार्मर में, वो क्या होता है, मिनरल ऑयल का होता है, ठीक है। 178 कह रहे करेंट ट्रांसफार्मर इज, सीटी की बात हो रही है, सीटी इज ए मैग्नेटिक कंपोनेंट टू चेंज वोल्टेज लेवल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्म एसी करंट टू डीसी करंट, ए मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ चार्ज चेंज करंट लेवल, नन ऑफ द। तो जो सीटी का काम होता है वो मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ चेंज करंट लेवल, करंट के लेवल को मतलब परास को बढ़ाता है, ठीक है। सी पार्ट सही है इसका 78 का। 179 बुकहोल रिले इज यूज्ड इन, जो बुकहोल रिले है उस किसका इस्तेमाल होता है, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में, ठीक है। बुकहोल रिले इंटरनल फॉल्ट के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है, ये भी समझ लीजिए। 180 देखिए क्या कह रहा है, बुकहोल रिले गिव्स वार्निंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए पार्ट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर इटसेल्फ, मतलब ट्रांसफार्मर में ये इंटरनल फॉल्ट का प्रोटेक्शन करता है पहली बात, और ये इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का प्रोटेक्शन करता है, ठीक। तो ऑप्शन 180 का ए पार्ट। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। मेरा काम दोस्तों वीडियो बनाना, आपका काम सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।